खबर राजधानी देहरादून से है, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने नामकत्ता में डेरा प्रमुख की हत्या पर सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बाबा तरसेम ने खुद अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी, उसके बावजूद भी उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। बदमाश बेखौफ होकर उन्हें सरेआम गोली मार कर फरार हो गए और पुलिस अब तक उन्हें नहीं पकड़ पाई है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और हम लगातार कहते रहे हैं कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अपराधी बेखौफ हैं, बेलगाम हैं और नानकत्ता साहिब गुरुद्वारे के जो डेरा प्रमुख हैं उनकी सुबह हत्या हो जाती है और अपराधी वहाँ एक हफ्ते से वही उसी डेरे में रह रहे थे और उन्होंने रैकी की और खुलेआम हत्या करके चले गए। आज